मित्रों, सेना को वापस लौटाकर सभी राजकुमार मंदगामी दल गंगा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। शाक्य कुमारों को आता देखकर केवट ने देर नहीं की, उन्हें शीघ्र ही पार उतार दिया। थोड़े ही काम के जब उसे बहुत अधिक उतराई मिली तो केवट बहुत खुश हो गया। शाक्य कुमार रैन बसेरा करते हुए मगध की राजधानी पहुंच गए। शाक्य कुमारों को शीघ्र ही तथागत के शिविर में पहुंचने का विश्वास हो गया। तब सभी जवानों ने अपने जड़ाऊ कपड़े और अंग प्रत्यंग में सजे हुए अनेक प्रकार के कीमती गहने उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। शाक्य कुमारों ने अपने उतरे हुए गहनों और कपड़ों की पोटली बांध ली और साथ में आए हुए नापित पुत्र उपाली को दे दी। फिर उसे कहने लगे, तुमने जन्म भर हम लोगों की खूब सेवा की है, उसका फल तुम्हें मिल रहा है। जाओ, इस गठरी को ले जाकर मौज उड़ाओ। शाक्य कुमारों की बात सुनकर उपाली ने तनिक भी देर नहीं की और उस गहनों की पोटली को सिर पर रखकर चल दिया और अपने मन में क्या क्या सोचने लगा, सुनिए इस गीत के माध्यम से। लेके पोटली चलायो पाली भर के नई उमंग मेरे, धन दौलत सब प्यारी लागे सपने सजे रंग मेरे। हो लेके पोटली चलायो पाली भर के नई उमंग मेरे, धन दौलत सब प्यारी लागे सपने सजे रंग मेरे। हो
जैसे डोरे पतंग मेरे, धन दौलत सब प्यारी लागे, सपने सजे रंग मेरे। कलम चलाई थी अपने नए ढंग मेरे, धन दौलत सब प्यारी लागे, सपने सजे रंग मेरे। हो लेके पोटली चलायो पाली, भर के नई उमंग मेरे, धन दौलत सब प्यारी लागे, सपने सजे रंग मेरे। हो